उसके लिए गाना बनाया था। तो गाना हमें सोचा पहले फिल्म में आएगा तो मतलब फिल्म वाला तो अपने आप शूट करेगा, रिमिक्स हम शूट कर रहे थे, तो हमने गाना पहले रिमिक्स शूट कर लिया। मैं दोनों जिन सुंदर ब्यूटीफुल बॉयज गर्ल्स को मिला, बहुत सारे हम फ्रेंड्स हैं, बड़े टाइम से प्लान करके गाना करेंगे करेंगे करेंगे। तो मैंने मस्ती में बोला कि चलो यार मैं मॉल्टा में जा रहा हूँ शूट करने, तो लक्ष्मी और सुना आप चलेंगे? हाँ चलते चलते। और फिर मेरा यशोदा भाई है, इसको पिछले 15 साल से मैंने लिखाया था कि एक दिन मैं थोड़ा सा जरूर काम करूँगा करूँगा, करते करते ये मुझे बॉम्बे आके बोल रहा है पाजी तो बहुत टाइम हो गया, तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। देखो 15-16 साल का था जब ये मिला है, तब से बहुत अच्छा ये डीजिंग कर रहा है। एंड मिस्टर लामा जो ऊपर बैठे हैं बहुत लंबे हैं, और उन्होंने मुझे ये डीजे स्मिथ को मिला है। फैंसी गाना जब बना तो हमने रिमिक्स पहले शूट कर दिया, और रिमिक्स इतना ग्रैंड शूट हो गया कि हम वेट करते थे कि मूवी में वो गाना पहले आए या कहीं गाना रिलीज हो जो स्लो वर्जन का है। तो बिकॉज ऑफ कोविड वो गाना डिले हो गया। ऐसे ही मजनू हमारा तो शूट के दौरान कोई इंसिडेंट सबके साथ में लोगों के यादगार पल होते हैं। मेरे तो इतने हसीन पल थे, आप लोग इमेजिन करते होंगे यार, मतलब इतनी सुंदर लक्ष्मी है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, बॉलीवुड से हमारी शमा सिकंदर है, तो पता नहीं क्या ही मजे आए होंगे। कुछ मजे नहीं आए भाई, हमारा पहले दिन ही हमारी कितनी लड़ाई हो गई छोटी सी बात पे। और ज्यादातर क्या होता है कि अक्सर मैं हमेशा मेरी टीम होती है जो सारा काम करती है, इस बार मैंने कहा नहीं फ्रेंड्स ऐसे उड़ता दिन मैंने ले लिया, ये सारा कुछ मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा, टिकट से लेके मैं ही मैनेज करूंगा। यार जो हम तो घूमने जा रहे हैं वहां जैसे उतरे, अब कुछ छोटा इशू हो गया था होटल को लेके, रूम्स अवेलेबल थे और नहीं भी थे, तो छोटी सी बात पे हमारी इतनी लड़ाई होगी पहले दिन। और ये शमा बोलती है यू गो टू एल, मैं यू गो टू एल, काम नहीं करना, तुम फाड़ में जाओ मुझे नहीं काम करना, लड़ दे पूरे शूट काल है, इतनी लड़ाई हुई इतनी जरूरत, सिर्फ तकिया फेंकना या मारना रहेगा। तो मैंने दरवाजा बंद कर भाग्य में दबा दो, यही तो तुम भी दबाओ अभी अभय और गायकी में। दिस इज माई फर्स्ट प्रेस कॉन इन दिल्ली, तो बहुत बहुत खुश हूँ मैं। और आज मजनू 2 रिलीज हुई है, आपको अच्छा लगा होगा गाना, अच्छा लगा है ना आपको? हाँ जी जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सो वी शॉट दिस इन माल्टा, तो जैसे मिका ने पूरा कहानी बताया एंड वो तो स्पार्क ऑफ द मोमेंट में हो गया था। हमको ये भी पता था कि सब हम लोग बाय एंड ऑफ द इवनिंग सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबको एक दिखाना था ना, मैं क्यों तो वो हो रहा था, तो बीच में कोई मीडिएटर चाहिए था हमको कि मतलब करो साथ में, मतलब एक पैचअप करो और गाना शूट करो, तो कोई था नहीं, तो ये अचानक हो गया, भगवान ने भेज दिया वाला को, तो हम लोगों को बात करके ठीक करके देन वी मेट अप इन द नाइट। तो दूसरे दिन से वी वर लाइक इतना मजा आया शूट पे, लाइक वी इट फेल्ट लाइक कि हम लोग फ्रेंड्स जैसे पिकनिक जाते हैं ना, वैसे पिकनिक जाके जस्ट वी शॉट इट एंड सो ब्यूटिफुल सॉन्ग। थैंक्स टू मिका, क्योंकि आपको पता है जब मिका गाते हैं तो वो ऑडियो सुन के ही पता चलता है इट्स मिका, यू नो दैट्स द सिग्नेचर ऑफ मिका। एंड लाइक शमा सेड एंड वी ऑल आर फ्रेंड्स, लाइक शमा इज अ डियर फ्रेंड, मिका इज अ डियर फ्रेंड, जब दोस्तों के साथ जब काम करने मिलता है तो इट इज सच अ प्लेजर एंड एट द सेम टाइम इट्स फन। तो ये गाना इज फुल फन सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स सुमित हैज रीमिक्स्ड इट एंड इट वाज नाइस टू इवन सी हिम देयर एंड यू नो वी ऑल शॉट टुगेदर एंड लाइक आई से मिका इज जस्ट नॉट अ ग्रेट सिंगर बट ही इज आल्सो अ ग्रेट पर्सन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम ग्लैड दैट वी आर हियर एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड आई होप यू ऑल एंजॉय, थैंक यू। एक दोस्त है मिस्टर बाला, बहुत मेरे प्यारे दोस्त हैं, बाला वेंकी चिकन से हैं, इज द ओनर ऑफ वेंकी चिकन। उन्होंने मुझे वैसे कॉल किया कि क्या हाल है। अच्छा मुझे लगा कि लक्ष्मी ने उसको सारी स्टोरी बता दी है, मुझे बोला हमारा कॉमन फ्रेंड है तीनों का। उन्होंने बोला कि क्या हाल मेरा, मैं बस क्या हाल है आपको पता ही है, मुझे काम नहीं करना ये वो, तो मैं पूरी भड़ास सारी उसको सुना दी। तो बोलता लेकिन हुआ क्या, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं मुझे पता है आपको उसने फोन कर दिया। बोलते भैया किसी ने फोन करा यार, क्या हुआ तुम्हारा, मैं कैसे सर चेक कर रहा हूँ, मैं नहीं शूट कर रहा। उन्होंने इनको फोन करा, ये हमने भी सीधा उनको सुना दिया। तो सोचते यार
मैं तो वैसे तो मैं हाल चाल पूछने के लिए तुम्हारा फोन करेंगे मनीष सर, मैंने स्टोरी देखी। तो फिर उन्होंने हमारी वापस सुलह कराई दूसरे दिन, और उसमें जो तीसरा था वो ये तीसरा इंसान थे ये रो रहा था इतना लड़ पड़े तो मैं तो काम का मैं मार्टा भाई। हाउ इज योर एक्सपीरियंस सर? ओ दिन रात यूं सोचता हूं तुझे हासिल करूं कैसे सनम तुझको, ओ मैं तुझे क्या कहूं मैं, ओ तुझे क्या कहूं मैं, कैसा जुनून है मेरा तुझे जब से मिला हूं सो ना सका हूं, बस है ख्याल तेरा कभी मजनू बना कभी राजा बना हूं, ऐसा है हाल मेरा। फैंटास्टिक। और हम खुश हैं एक दूसरे के साथ फिर से दोस्ती बरकरार है, और इस गाने की तरफ पूरा पूरा हम सबका मतलब दिली ख्वाहिश है कि ये बहुत बड़ा सुपर हिट। मिका जी अभी आपने हुनरबाज में भी साइन सलमान बहुत ही ज्यादा लड़ पड़े सारे, मुझे लगा नहीं होगा गाना शूट बिकॉज हम सब ने डिसाइड किया था कि नहीं करेंगे अभी शूटिंग आगे नहीं होगी, बट मिका इस दिल के बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, इज ऑल आवर हार्ट, आई एम आल्सो ऑल हार्ट, तो दो हार्ट वाले लोग लड़ते हैं और लक्ष्मी भी हमारी मतलब यू नो कि वी पुट आवर हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, तो जब दिल से लड़ाई होती है ना तो फिर वो कुछ तो है जो उसके बाद में आए वो भी ऊपर चल गए, ऊपर भगवान की बात नहीं मेन बात। तो आई थिंक मेरा इसके साथ जुड़ था कि यार एक दिन मैं जरूर इसको प्रमोट करूंगा, एंड ही इज वेरी टैलेंटेड गाय, एंड बहुत से जितने भी नंबर वन शादियां होती हैं बिग फैट वेडिंग में ये हमेशा डीजिंग करता है, सो होप टू। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, अपना शहर है। थैंक यू बाजी, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी पाजी का, पहली बार वोकल जाना और पाजी का गाना करना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एंड देन वी हैव शमा जी एंड लक्ष्मी जी इन द वीडियो, इट इज़ फिनोमिनल, और फिर माल्टा डिस्कवर करा, एंड इट इज़ एन वेरी बिग ऑनर कि पाजी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, और इट इज अ वेरी वेरी थैंक यू बाजी, इट्स हाई रिस्पेक्ट एंड लक्ष्मी को दे भाई, बस लक्ष्मी से लक्ष्मी देती रहे आपसे ब्लेसिंग्स।